नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो विषय है 18वीं शताब्दी के मध्य भारत की राजनीतिक स्थिति। 18वीं शताब्दी में राजनीतिक या केंद्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार घटी कि राजनीतिक सत्ताएं, केंद्रीय सत्ताएं कमजोर होने लगी और उसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना ये थी औरंगजेब की मृत्यु। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के बाद केंद्रीय सत्ता विघटित होने लग जाती है। विघटित होती केंद्रीय सत्ता के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने लगते हैं, क्षेत्रीय शक्तियां अपनी शक्ति को विकसित करने लगती हैं और इस अवस्था में राजनीतिक अराजकता का वातावरण निर्मित हो जाता है। इस अराजकता के वातावरण कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों ने और उनके समर्थक भारतीय इतिहासकारों ने अध्ययन कर एक अंधकार युग का संज्ञा या अंधकार युग का नाम देने का प्रयास किया। वे कहते हैं कि ये समय अंधकार युग का प्रारंभ का युग था। लेकिन इन परिस्थितियों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनका हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक मानचित्र दिखाना चाहता हूं जिससे आप ये समझ सकेंगे कि उस समय भारत में कौन कौन सी राजनीतिक सत्ताएं स्थापित हो चुकी थीं, उनका सीमा विस्तार, उनका क्षेत्र विस्तार किस प्रकार का था। इस मानचित्र से आप इस अवस्था को ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। ये उस समय का मानचित्र है। इसमें आप सभी राज्यों को, क्षेत्र परिक्षेत्र को देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय स्तर पर संपादित होने वाली महत्वपूर्ण घटना की। इस समय की महत्वपूर्ण घटना थी मुगल साम्राज्य का पतन, जिसको वर्तमान टॉपिक में हम तीन बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे। पहला है आंतरिक कमजोरियां, दूसरी है बाह्य चुनौतियां और तीसरी है व्यवस्था संबंधी परिवर्तन। आंतरिक कमजोरियों में केंद्रीय सत्ता या राज्य सत्ता स्थापना के लिए अगर हम देखें तो कोई भी उत्तराधिकार का निश्चित नियम नहीं था। उत्तराधिकार के निश्चित नियम न होने के परिणाम स्वरूप दरबार में या केंद्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्ति के लिए गुटबंदियां प्रारंभ हो गई। गुटबंदी के कारण केंद्रीय दरबार के छोटे छोटे भागों में विभक्त हो गया और सत्ता प्राप्ति के लिए आपस में संघर्ष करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप स्वजनित आंतरिक गतिरोध या कमजोरियां उत्पन्न हो गई और सत्ता या मुगल साम्राज्य धीरे धीरे पतन की ओर आगे बढ़ने लगा। पतनोन्मुख या पतन की ओर बढ़ते मुगल साम्राज्य पर बाह्य आक्रमण का प्रहार और अधिक घातक सिद्ध हुआ। इस समय के दो प्रमुख आक्रमण की हम बात करेंगे। पहला है 1739 का नादिरशाह का आक्रमण, जिसने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का खोखलापन हमारे सामने या विश्व के सामने उजागर कर दिया। इसी के बाद एक और महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ, वो था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण और इस आक्रमण ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्थाओं की छिन भिन होती राजसत्ताओं को सबके सामने उजागर कर दिया। और यही कारण है कि एक इतिहासकार ने कहा कि मुगल साम्राज्य का आरंभ और अंत पानीपत की रणभूमि से हुआ। इन सभी अवस्थाओं में मुगल दरबार की व्यवस्थाओं ने और अधिक पतन की ओर मुगल साम्राज्य को ले जाने का कार्य किया। गुटबंदी के परिणाम स्वरूप अमीरों के साथ साथ सामंत या निम्न वर्ग या सामंतीय शासकों के अंदर नैतिक पतन या नैतिक चरित्र में गिरावट उत्पन्न हो रही थी और उसी तरह का परिवर्तन हमें केंद्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा था। तो सम्राट, अमीर और सामंतों का
नैतिक पतन मुगल साम्राज्य को विघटन की ओर तीव्र गति से ले जाने का कार्य कर रहा था। इन अवस्थाओं में इस समय की महत्वपूर्ण दूसरी घटनाओं की हम बात करेंगे और वे घटना है क्षेत्रीय शक्तियों का उत्कर्ष या क्षेत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं का उत्कर्ष, जिसमें चार बिंदुओं पर हम बात करेंगे। उत्तराधिकारी राज्य, नए राज्य, स्वतंत्र राज्य और क्षेत्रीय राजनीतिक कमजोरियां। इस समय जो महत्वपूर्ण राज्य उत्कर्ष में आ रहे थे उसमें पहला था हैदराबाद। राज्य की स्थापना 1724 में निजामुल मुल्क के द्वारा की। यह दिल्ली दरबार में या इस समय दिल्ली दरबार में सैयद बंधुओं का नियंत्रण था और इस व्यक्ति ने सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने में मोहम्मद शाह का साथ दिया और शाह का साथ देने के परिणाम स्वरूप उसने उसे दक्षिण का सूबेदार बना दिया। अपनी योग्यताओं से उसने उस क्षेत्र को पुनः गठित किया, राजस्व व्यवस्था को सुचारू किया और 1722 से 1724 तक इस राज्य में वजीर रहते हुए अपनी स्थिति को, अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया और इस तरह से एक सशक्त राज्य के रूप में उसने अपनी सत्ता स्थापना कर ली। 1748 में उसकी मृत्यु के बाद हैदराबाद राज्य का भी वही हश्र हुआ जो केंद्रीय स्तर पर मुगल सत्ता का था। हैदराबाद की कमजोर शक्तियां मराठा और विदेशियों के या विदेशी कंपनियों के सामने उजागर हो गई और उन आघातों को हैदराबाद झेल नहीं पाया और धीरे धीरे हैदराबाद में भी गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ, जिसका लाभ यूरोपी या उस समय दक्षिण में साम्राज्य विस्तार का प्रयास कर रही फ्रांसीसी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया। इसी समय दक्षिण भारत में एक और शक्ति का विस्तार हुआ था, वो था बंगाल। 1717 में मुगलों की सत्ता के अधीन मुर्शिद कुली खान ने बंगाल का गवर्नर बनकर एक स्वतंत्र राज्य स्थापना का प्रयास किया। दिल्ली से उसका समन केवल मात्र नजराना भेजने तक सीमित था। उसके बाद सुजाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना और उसका उत्तराधिकारी अली वर्दी खान बना। 1739 में अली वर्दी खान सत्ता अधिग्रहण करने के बाद अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में सफल रहा, लेकिन 1756 में उसकी मृत्यु के बाद जब उसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला उस सत्ता पर या बंगाल की गद्दी पर बैठा तो वो इस स्थिति को संभाल नहीं पाया और यूरोपी व्यापारी कंपनियों के कुचक्र में फंस गया और बंगाल का धीरे धीरे राजनीतिक पतन हो गया, जिसको हम प्लासी और अन्य युद्धों के माध्यम से अगली कक्षा में समझने का प्रयास करें। इस समय एक और महत्वपूर्ण शक्ति दक्षिण भारत में उत्कर्ष में आई, वो थी अवध। मुगल सत्ता के पतनमुख होने की स्थिति का लाभ उठाकर मीर मोहम्मद अमीर सादत खान ने बुरहान उल मुल्क के रूप में अवध की स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और 1722 में वो इसका सूबेदार बन गया। लेकिन अवध की मुख्य समस्या भू राजस्व की थी। सादत खान ने भू राजस्व की व्यवस्था को नियंत्रित किया, अपनी कठोर स्थिति को स्थापित किया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सफरदर जंग इस स्थिति को संभाल नहीं पाया और धीरे धीरे ये राज्य भी पतन की ओर अग्रसर हो गया। इसी समय दक्षिण भारत में एक और महत्वपूर्ण शक्तिशाली राज्य का निर्माण हुआ था और वो राज्य था मराठा। मराठा राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई थी। निरंतर मुगलों के साथ संघर्ष संपादित होता रहा। मराठा शक्ति का प्रसार 1761 में हमें देखने को मिला, जब अब्दाली के आक्रमण के विरुद्ध दक्षिण से दिल्ली
मराठा युद्ध लड़ने पहुंचे, लेकिन इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई। मराठों की प्रतिष्ठा कमजोर हुई, लेकिन हुई ही प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित कर 1772 में मराठा शक्ति एक सशक्त शक्ति के रूप में स्थापित हो गई। माधवराव की मृत्यु के परिणाम या उसके बाद मराठा शक्ति या मराठा राज्य में गृह युद्ध की स्थितियां उत्पन्न हो गई, और इस गृह युद्ध की स्थितियों का लाभ यूरोपीय राज्यों के द्वारा उठाया गया, और इस तरह यूरोपीय राज्यों ने इस राज्य की कमजोर होती शक्ति को अपने पक्ष में परिवर्तित करते हुए दक्षिण में सत्ता स्थापना का कार्य स्थापित कर लिया। इसी तरह दक्षिण में एक और नई राज्य का निर्माण हुआ था, वो थे सिख राज्य। 15वीं शताब्दी के अंत में लोकतांत्रिक धार्मिक विचारधारा के रूप में सिख संप्रदाय का जन्म हुआ। आगामी दो सदियों तक यह व्यक्ति विरोध तक सीमित रहा, परंतु गुरु गोविंद सिंह के समय ये संघर्ष या संघर्षकारी विचारधारा में परिवर्तित हो गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन्होंने खुलकर औरंगजेब का विरोध किया। सब अच्छी तरह जानते थे कि पंजाब का सामरिक महत्व अधिक है। मुगलों ने भी इस विद्रोह को पूर्ण रूप से दबाने का प्रयास किया, लेकिन 18वीं सदी के मध्य या उसके उपरांत मराठा मुगल संघर्ष और अधिक विकसित होता चला गया, और उसके उपरांत 12 मिसलों को मिलाकर सशक्त प्रांत के रूप में पंजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया, जिसको नेतृत्व महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा प्रदान कर एक नई शक्ति के रूप में एक नई सशक्त व्यवस्था स्थापित की गई। इस सशक्त व्यवस्था के ऊपर भी यूरोपीय कंपनियों के आघात या आक्रमणों ने इस व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। इसी समय हम स्वतंत्र राज्य, जो नए राज्य स्थापित हो रहे हैं, उनकी बात भी करेंगे, और उसमें था सबसे महत्वपूर्ण राज्य मैसूर का राज्य। मैसूर दक्षिण का सबसे शक्तिशाली या नव शक्ति के रूप में उभर कर सामने आने वाला राज्य था, जिसकी स्थापना हैदर अली के द्वारा की। हैदर अली एक साधारण सा सेना नायक था, और अपनी योग्यताओं या अपनी क्षमताओं से उसने मैसूर राज्य को स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित कर लिया। उसकी इस विचारधाराओं को उसके उत्तराधिकारी टीपू सुल्तान ने आगे बढ़ाया, लेकिन हैदर और टीपू के शासन में, दोनों के ही शासन कालों में यूरोपीय शक्तियों के साथ उनकी निरंतरता संघर्ष ने इस राज्य को दिन प्रतिदिन कमजोर करना प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे ये राज्य भी यूरोपीय राज्यों का ग्रास बन गया। इसके बाद हम बात करेंगे राजपूत राज्य। मुगल साम्राज्य के बिखराव से राजपूत राज्यों ने लाभ उठाने का प्रयास किया, और उन्होंने अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते हुए अपने क्षेत्रीय राज्यों को मुगल सत्ता या केंद्रीय स्तर से अलग कर लिया, लेकिन उन्होंने कभी भी स्वतंत्र रूप से चुनौती देने का प्रयास नहीं किया। लेकिन इस समय क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में या नए राज्यों के रूप में मराठा राज्यों के उत्कर्ष ने इन राजपूत राज्यों के ऊपर प्रहार किए, जिससे राजपूत राज्य कमजोर हो गए या उनकी शक्तियां कमजोर हुई। तो इस तरह राजपूत राज्य केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के बाद अपने लिए सशक्त राज्य स्थापना का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो स्पष्ट रूप से स्वतंत्र या सशक्त नहीं हो पाते। इसी तरह से केरल राज्य या केरल में भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना का प्रयास किए गए, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण स्थिति अगर हम देखें तो वो थी क्षेत्रीय राजनीति की कमजोरी। मुगल सत्ता पतनोन्मुख थी। मुगल सत्ता को पतन की ओर ले जाने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों का योगदान महत्वपूर्ण था। क्षेत्रीय शक्ति या क्षेत्रीय राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी ये रही
ये राज्य अपने आप में इतने सशक्त नहीं हो पाए कि केंद्रीय स्तर पर ये एक सशक्त सत्ता की स्थापना कर सके। तो इस तरह से क्षेत्रीय राज्य सशक्त हो रहे हैं, क्षेत्रीय राज्य शक्ति बढ़ा रहे हैं, केंद्रीय सत्ता को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत कमजोर होती स्थिति को सुदृढ़ करने में उनका योगदान नहीं रहता। और यही कारण रहा था कि केंद्रीय सत्ता और क्षेत्रीय शक्तियां समानांतर कमजोर हो गईं और इन पर यूरोपीय व्यापारी कंपनियों ने अपने प्रभाव स्थापित कर लिए। अब हम बात करते हैं यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की। जैसा आप सभी जानते हैं, यूरोपीय व्यापारी कंपनियां प्रारंभिक अपना उद्देश्य व्यापार करने या व्यापार गतिविधि संपादित करने के लिए भारत आती हैं। भारत के अंदर सुव्यवस्थित रूप से अपनी व्यापारी कोठियां निर्मित करती हैं, लेकिन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय केंद्रीय व्यवस्था के कमजोर होती स्थिति, क्षेत्रीय शक्तियों की प्रतिस्पर्धा, क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति संघर्ष की भावना से प्रेरित होकर ये सारी की सारी कंपनियां अपने उद्देश्य में परिवर्तन करते हुए सत्ता स्थापना के लिए संघर्ष करना प्रारंभ कर देती। और इस तरह हम देखते हैं कि 18वीं सदी की राजनीतिक व्यवस्था इन ब्रिटिश या यूरोपीय कंपनियों को राज्य स्थापना का स्वप्न दिखाने का कार्य करती हैं और वो धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना प्रारंभ कर देती हैं। प्लासी के युद्ध के बाद इन कंपनियों को निरंतर सफलता मिलती चली जाती है और केंद्रीय स्तर की शक्ति को समाप्त कर ये धीरे धीरे भारतीय साम्राज्य पर अपना एकाधिकार स्थापित करने में सफल हो जाती है। तो ये जो आज का जिस विषय पर हमने बात की वो विषय राजनीतिक व्यवस्था थी कि किस तरह से भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कमजोर हो रही थी और एक व्यापारी कंपनी अपने उद्देश्य में परिवर्तन करते हुए राज्य सत्ता स्थापना के आगे बढ़ रहे थे। धन्यवाद विद्यार्थियों, अगली कक्षा में हम राष्ट्रीय आंदोलन या राष्ट्रवाद के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।